Good morning, everybody. I am going to continue this chapter. This chapter is number. So we learned about previous classes. Number one, rule number 1 to 8. From rule number 1 to 8. Today we have to learn about rule number 9 and 10. 9 and 10. Today we shall talk about rule 9 and 10. Rule 9. Some of the similar nouns are changed into plural nouns by changing the inside vowels. अब इसका हिंदी क्या हुआ? कहा कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिस नाउन के भीतर कहने का तात्पर्य कि उस नाउन में जो वॉवेल से रिलेटेड वर्ड होते हैं, वॉवेल से रिलेटेड लेटर तो उसमें परिवर्तन किया जाता है. हम लोग एग्जाम्पल के तहत देखेंगे. तो ये रूल क्या कहा? 9, कि सिंगुलर नाउन्स, सम ऑफ द सिंगुलर नाउन्स, कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको बदला जाता है. क्या चीज बदला होता है उसमें? इनटू प्लूरल नाउन्स. उसको जब प्लूरल नाउन में बदलते हैं तो बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल्स, तो उसके अंदर के वॉवेल के लेटर में परिवर्तन करते हैं. जैसे एम ए एन मैन, यहां पे हम देख रहे हैं ए जो है बीच का लेटर क्या है, तो बीच का लेटर हमारा वॉवेल का लेटर है ए. अब यहां पर जब हम प्लूरल बनाते हैं तो एम ई एन मैन होता है, तो ए बदल गया, ए वॉवेल ई वॉवेल में बदल गया. तो मैन इधर का सारा सिंगुलर है, इधर का सारा प्लूरल है. उसी प्रकार से अन्य है टूथ, दोनों वॉवेल का लेटर है. अब यहां पे भी वॉवेल का ही लेटर है, ओ ई में बदल रहा है. जब प्लूरल बना रहे हैं तो ओ ई में बदल रहा है. उसी प्रकार से फुट, यहां पर भी ओ, यहां पर भी ओ, दो दो ओ है. अब यहां पर भी दो ओ ई में कन्वर्ट हो रहा है प्लूरल बनाने के क्रम में. वोमेन, अब यहां पर डब्ल्यू ओ एम ए एन, ओ भी है और ए भी है, ये दोनों वॉवेल लेटर है. तो ओ जस का तस रह गया, ए में परिवर्तन करके ई कर दिए तो यह प्लूरल बन गया. विमन विमेन. गूज, यहां पे विवाही स्थिति है, डबल ओ है, ओ ओ यहां पे ई, गूज गीज. माउस ओ, यहां पे हो गया ओ बदल गया आई, माउस माइस. तो रूल 9 कहता है कि कोई भी सिंगुलर नाउन अगर उस नाउन में वॉवेल का लेटर है, ये रूल 9 कह रहा है वॉवेल का लेटर है, तो उस लेटर को प्लूरल बनाने के क्रम में बदल देते. जैसे हम लोगों ने देखा ए ई में बदल गया, ओ भी ई में बदल गया. तो इस प्रकार से यहां एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं. और जैसे बदले तो यह इधर का पोर्शन क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया. अब 10th रूल क्या कहता है? यह कहता है द नेमिंग वर्ड्स गिवन एबव फॉर देयर प्लूरल फॉर्म्स बाय एडिंग एन. कहा कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि दिए गए हैं. अब इसमें कहता है एबव फॉर्म यानी ऊपर में, ठीक है. तो यहां पर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, बिलो फॉर्म भी कर सकते हैं, नीचे में एबव के जगह बिलो कर दें तो यह हो जाएगा नीचे. तो द नेमिंग वर्ड्स गिवन बिलो फॉर्म देयर प्लूरल फॉर्म्स बाय एडिंग ई एन टू सिंगुलर फॉर्म. जैसे अब नीचे में एग्जाम्पल है चाइल्ड, तो चाइल्ड में क्या कहा है यहां पर, ई एन लगाने के लिए ई एन. कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिसमें ई एन लगाना है, तो चाइल्ड चिल्ड्रन, ऑक्स ऑक्सन. इस प्रकार से भी हम लोग, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको हम लोग ई एन लगाकर प्लूरल बनाते हैं. ऐसे वर्ड का प्लूरल क्या बनता है, ई एन लगाकर. तो ई एन लगाकर हम लोगों ने प्लूरल बना दिया. तो ऐसे कुछ एक वर्ड हैं जिसका प्लूरल ई एन लगाकर बनाया जाता है, ठीक है.
तो आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। इसको आप लोग को क्या करना है, इसको भी उतार करके इस पर प्रैक्टिस करना है, इसी प्रकार से 10 शब्द इसका भी कलेक्शन करना है और कलेक्शन करके इसको लिखना है HW के रूप में, सिंगुलर एक तरफ फिर प्लूरल, उसी प्रकार से इधर 2 शब्द मैं लिखाया हूं, अगर और भी शब्द आप ढूंढेंगे मिलेगा तो उसको TL लगा करके जो प्लूरल बनता है उसको तो बनाएंगे। तो यह आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।